किचन वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी में जो हम वर्ड्स सीखने वाले हैं, ये वर्ड्स अक्सर हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ड्स सीखने के बाद आप अपनी फेवरेट रेसिपी किसी से भी शेयर कर पाएंगे इंग्लिश में। सो इफ यू आर इनटू कुकिंग, देन दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली। वॉच इट टिल द एंड एंड गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज पॉ, उड़ेलना। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किसी भी लिक्विड को उड़ेलने की प्रक्रिया पॉ कहलाती है। स्क्वीज, जूसी फ्रूट्स को निचोड़कर उससे रस निकालने की प्रक्रिया स्क्वीज कहलाती है। जब भी हम नींबू निचोड़ते हैं तो उसे हम स्क्वीज करते हैं। मैश, आलू उबालकर उसे मसलना इज कॉल्ड मैश, और आलू के भरते को हम इंग्लिश में मैश्ड पोटैटोज कहते हैं, क्योंकि ये आलू को मसल कर बनाया जाता है। ग्रेट, रायता बनाने से पहले हम लौकी को कद्दूकस करते हैं, और इस कद्दूकस करने की प्रक्रिया को हम ग्रेट कहते हैं, और स्टूल को जिससे हम ये करते हैं उसे ग्रेटर कहते हैं। ब्लांच और ब्लैंच, चाउमीन बनाने से पहले हम नूडल्स को हल्का उबालते हैं, और इस हल्का उबालने की प्रक्रिया ब्लांच और ब्लैंच कहलाती है। चॉप, सब्जियां काटना इज कॉल्ड चॉप, सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की प्रक्रिया चॉप कहलाती है, और इस जिस बोर्ड पे हम ये काम करते हैं उसे हम चॉपिंग बोर्ड कहते हैं, यानी कि सब्जी काटने वाले बोर्ड को चॉपिंग बोर्ड कहा जाता है। स्लाइस, पत्ते पत्ते फांक में काटना इज कॉल्ड स्लाइस। मींस, मोमोज बनाने के लिए जो स्टफिंग हम तैयार करते हैं उसे हम सब्जियों को बारीक काट कर तैयार करते हैं, और उस बारीक काटने की प्रक्रिया मिंस कहलाती है। डाइस, आपने लूडो खेला होगा, लूडो में जो पासा होता है उसे हम डाइस कहते हैं, और पासे की शेप में सब्जी और फलों को काटना इज कॉल्ड डाइस। स्टर, चाय में चीनी घोलने के लिए हम चीनी डालकर उसे चम्मच से हिलाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम स्टर कहते हैं। सब्जी बनाने से पहले हम प्याज को हल्का भूनकर भूरा करते हैं, और इसी भुनने की प्रक्रिया को हम सॉटे कहते हैं, जिसमें कि आप बहुत ही हल्के तेल में किसी सब्जी को आप भूनते हैं। सोक, छोले बनाने के लिए या राजमा बनाने के लिए हम रात भर उसको पानी में भिगो कर रखते हैं, और इस भिगो कर रखने की प्रक्रिया सोक कहलाती है। स्क्रैम्बल, अंडे की भुर्जी बनाने को हम इंग्लिश में स्क्रैम्बल कहते हैं, और अंडे की भुर्जी को हम इंग्लिश में स्क्रैम्बल्ड एग कहते हैं। पील, छिलका उतारना, यानी कि किसी भी सब्जी या फल को छीलने की प्रक्रिया पील कहलाती है, और पील का मतलब छिलका भी होता है। छिलके को इंग्लिश में हम स्किन भी कहते हैं, और जिस चाकू से छीला जाता है उसे हम इंग्लिश में पीलर कहते हैं। छीलने वाले चाकू को इंग्लिश में पीलर कहा जाता है। डीप फ्राई, तेल में डुबोकर तलने की प्रक्रिया डीप फ्राई कहलाती है। पकौड़े जो हम खाते हैं उसे हम डीप फ्राई करके बनाते हैं। बेलन, जो महिलाओं का हथियार भी माना जाता है, उसे हम इंग्लिश में रोलिंग पिन कहते हैं, जिसे रोटी या पूरियां बेली जाती हैं, और बेलने को इंग्लिश में हम रोल आउट कहते हैं, बेलना, विच इज क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब। बेक, नरम चीज को आग में पकाकर सख्त बनाना, यानी कि बिस्किट्स को हम बेक करके बनाते हैं, और रोटीज, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें बेक की जाती हैं। फ्लिप, जब रोटियां बनाते वक्त एक सतह पक जाती है तो हम उसको पलटते हैं, और इस पलटने की प्रक्रिया को हम फ्लिप कहते हैं। ब्रेड में मक्खन लगाना इज स्प्रेड, वी स्प्रेड द बटर ओवर अ ब्रेड एंड एंजॉय आवर ब्रेड एंड बटर। नीड, गूंदना, आटा गूंदते हैं हम रोटी बनाने के पहले, और उस गूंदने की प्रक्रिया को हम नीड कहते हैं। रिमेंबर के साइलेंट डो, गूंथे हुए आटे को हम डो कहते हैं। रिमेंबर द जी एन एच आर साइलेंट, टी ओ यू जी एच टफ होता है, लेकिन डी ओ यू जी एच डो कहलाता है। टॉस, फ्राइंग पैन पे कुछ भी पकाने वक्त हम उसे पलटते हैं, और कभी कभी वो पलटने के लिए हम सीधे फ्राइंग पैन को पकड़कर उछाल देते हैं, और इस उछालने की प्रक्रिया को हम टॉस कहते हैं। So we toss the food to cook it well while cooking it on the frying pan. Garnish, खाना पकने के बाद हम उसे गेस्ट को सर्व करने से पहले इसे सजाते हैं, उसे हम गार्निश कहते हैं। तंदूरी चिकन, हम चिकन को रोस्ट करके बनाते हैं, यानी कि आंच पर पकाकर उसे बनाया जाता है, उसे हम रोस्ट कहते हैं, और रोस्ट का मतलब सवाल पूछकर परेशान करना भी होता है। ग्राइंड, पीसना, मसालों को पीसने की प्रक्रिया ग्राइंड कहलाती है। लेडल, करछी या करछुल, इसे हम इंग्लिश में लेडल कहते हैं, और लेडल का मतलब करछी से किसी चीज को डालना या निकालना भी होता है, लेडल। टोंग्स, रिमेंबर दिस वर्ड इज ऑलवेज रिटन इन प्लूरल
मतलब इसमें आप हमेशा एस लगा करके ही लिखेंगे या बोलेंगे। टोंग्स का मतलब चिमटा होता है। एप्रन खाना पकाते वक्त ऊपर से पहना जाने वाला कपड़ा एप्रन कहलाता है, जिससे हमारे कपड़े गंदे ना हो। एप्रन। सिमा, बहुत ही धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाना इज कॉल्ड सिमा। हम सूप वगैरह जो बनाते हैं उसे हम सिमर करके बनाते हैं, सिमो। किसी भी चीज की एक चुटकी भर मात्रा को बताने के लिए हम अ पिंच ऑफ का प्रयोग करते हैं। अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज एक चुटकी नमक, अ पिंच ऑफ शुगर इज एक चुटकी चीनी, और अ पिंच ऑफ वर्मिलियन इज कॉल्ड एक चुटकी सिंदूर। समझे रमेश बाबू? मैरिनेट। चिकन या मटन बनाने से पहले हम उसे मसालों के मिश्रण में डालकर काफी देर तक छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है और पकाने में उसका स्वाद और बढ़ जाता है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड मैरिनेट। सिव, चलनी या चालना। चालने को हम इंग्लिश में सिव कहते हैं, और चालने वाले टूल जिसको हम चलनी कहते हैं उसका इंग्लिश भी सिव होता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड वैल्यू इन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।